हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशंस में चेन रूल। ये देखो, 11th स्टैंडर्ड में तुमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे ना, वो स्टैंडर्ड बेस किए थे। अब 12th स्टैंडर्ड में हम लोग को स्टैंडर्ड बेस नहीं करना है। मींस व्हाट? वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, मतलब वहाँ पर कुछ तो छेड़खानी हुआ रहेगा। कैसा छेड़खानी, इस वीडियो में सीखेंगे। उसी को चेन रूल बोलते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने 4 लेक्चर में ये कवर किया है कि डेरिवेटिव्स का रियल मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला किस तरह याद करते हैं। तो गाइस, अगर नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, देख लो ताकि ये वीडियो भी मजा आए। अगर नहीं भी देखा रहेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एकदम ध्यान से फोकस करके देखो, मजा आएगा। चलेगा यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर कुछ मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखा है। वैसे तो 26 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, यू अपॉन वी, यू डॉट वी, सब कुछ कवर किया है सीरीज में देखोगे तो। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, लेकिन स्टिल अगर तुमने डायरेक्टली जम किया है तो कोई तकलीफ नहीं, ध्यान से देखो, अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, हर एक में मैंने ब्लू से कुछ तो मार्किंग किया है। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये सिर्फ एक्स रेस टू एन होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर सिर्फ एक्स होना चाहिए, यहाँ पर एक्स है तो रूट के अंदर सिर्फ एक्स होना चाहिए। बार बार मैं वर्ड यूज करो सिर्फ। यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर नीचे एक्स होना चाहिए। ये सब फॉर्मूला है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये सब फॉर्मूला है अपना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पर ई रेस टू एक्स, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो ई के पावर में सिर्फ एक्स होना चाहिए। और वैसे लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स, साइन एक्स, देखो साइन के अंदर एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। नोटिस करने वाली बात ये कि ये एक्स है तो कॉस के अंदर सिर्फ एक्स चाहिए, एक्स के साथ छेड़खानी नहीं। मैं बता दो क्या सीन है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और sec x का, ये तो याद होगा, सबसे फेवरेट सम बन गया था sec x का डेरिवेटिव कैसे किस तरह हम लोग याद करते sec x into tan x। अब जो मैं बात करूँगा प्लीज़ यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर कुछ पहले बेसिक सम्स करते हैं, उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल के सम्स कर सकते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है सॉल्व। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है उसको y लिख के चलता हूँ। देखो अभी यहाँ पर लेट y इज इक्वल टू, और मतलब लेट y इज इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लेट y लिखने का, याद क्लियर है तुम लोगों को। अब देखो मुझे बोलो यहाँ पर कौन सा फंक्शन दिख रहा है। अच्छा, साइन कभी अकेला नहीं आता, साइन ऐसा और अलजेब्रिक ऐसा दूर, नहीं नहीं, साइन इसके बिना अधूरा है, ये समझ रहा है, ये सच्चा प्यार है, ये इसके बिना अधूरा है। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हो, साइन के साथ एक्स चिपका होना चाहिए, जिस तरह बोलते ना साइन टीटा, कभी साइन अकेला कुछ नहीं होता टीटा के बगैर, उसी तरह कॉस कुछ नहीं होता टीटा के बगैर, उसी तरह ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज आर वर्क अधूरा विदाउट टीटा। समझ रहे हो ये चीज, तो यहाँ पर क्लियर रखना। तो ये क्या है, साइन एक्स है, मतलब साइन टीटा है। तो अभी तो हमने देखा यहाँ पर क्या लिखेगा मालूम है, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू वॉट x, सिर्फ ये लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू वॉट x जो भी चलेगा। अब क्या कर रहा है, पहला समय इसलिए पूरा लिख रहा हूँ, उसके बाद नहीं लिखेंगे। डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड में y है, डी बाई डी एक्स राइट साइड वाला, मतलब साइन x क्यूब प्लस 4x रेस टू 5। नोटिस करने वाली बात ये है, ये कौन से फॉर्मूले से लिंक कर रहा है तुम्हारे। देखो इतने सारे फॉर्मूले, मुझे लगता है साइन x, सर आपने क्या बोला था, साइन x, साइन x। तो यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देखो ना यार, इधर एक्स है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सिर्फ एक्स होना चाहिए था, तब मैं जाके बोलता था साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव किधर गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। लेकिन इतने पार्ट ने धोखा दे दिया, कितने पार्ट ने धोखा दिया भाई, ये देख, प्यार में धोखा मिला। तो जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड में लेना, मतलब सर समझा नहीं, थोड़ा रुक जाओ, जितने पार्ट ने धोखा दिया मैंने उसको अंडरलाइन किया। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो लिख दो यार प्यार से कॉस एक्स, एक्स मतलब जितने पार्ट को अंडरलाइन किया, ये दिख रहा है। यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, धोखा मिला ना, मतलब मैं क्या चाहता था, वहाँ पर क्या होना चाहिए था एक्स, और वहाँ पर एक्स है क्या, नहीं, मुझे क्या मिला, धोखा। जैसे ही धोखा मिला, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड में ले लेना, डेरिवेटिव नॉर्मल करना और उतने पार्ट को क्या करना, रिमांड मतलब अगेन डेरिवेटिव को ही हम लोग बोल रहे चेन रूल। यहाँ पर जितने पार्ट ने धोखा दिया, एक्स क्यूब प्लस 4x रेस टू 5, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। अब ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव कहाँ लग रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव लग रहा है, बीच में क्या है, प्लस है, तो यू डॉट वी प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ये डेरिवेटिव इसके पास भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसके पास भी जाएगा, अगर प्लस हो या माइनस हो तो इसका मतलब इसको टच नहीं करने का, ये एक्स क्यूब प्लस 4x रेस टू 5, ये डेरिवेटिव अभी तो इसका तो बता सकते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, बोलो, लास्ट लेक्चर से एक्सपीरियंस है,
डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करता आ गया एक्स क्यूब प्लस ये फोर को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, फोर को कांस्टेंट नहीं बोलते जब वेरिएबल चिपका था। तो फोर बार डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू अबाउट फाइव, तो ये तो पहला वाला फॉर्मूला, इसमें कोई धोखा मिला क्या? नहीं, हो सकता है वापस धोखा मिल जाए। अरे रियल लाइफ में भी होता ना, एक लड़की धोखा दी वापस, फिर वो भी धोखा वापस, रिमांड लेते जाना, अभी धोखा नहीं मिला, एक बार धोखा मिला बस हो गया। तो यहाँ पर कॉस इसको टच मत करना, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स रेस टू फाइव मीन्स व्हाट, कॉस का ये क्या है थीटा है, इसको टच नहीं करना। नाउ डेरिवेटिव देखना, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का एन एक्स रेस टू एन मतलब नीचे ही रहते भाई, थ्री एक्स थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन टू प्लस ये फोर बाहर, इसका क्या आएगा फाइव नीचे एक्स फाइव माइनस वन फोर, बोलो ये क्लियर हो गया? अच्छा आंसर आ गया सर, हाँ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स रेस टू फाइव, यहाँ पर इसका क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर फाइव सा ट्वेंटी एक्स रेस टू फोर, ये समझ गया। अच्छा गलती से भी इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये कॉस थीटा है मीन्स वॉट, ये एक एंगल है, एंगल के साथ सिर्फ एंगल ही मल्टीप्लाई कर सकता है डिवाइड कर सकता है और कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं तो इसको उठा के आगे लिखने का, यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी एक्स रेस टू फोर, ऐसा ब्रैकेट बना दो अच्छा दिखता है थोड़ा, कॉस एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स रेस टू फाइव, ये क्या मिला मुझे डी वाई बाई डी एक्स, इसी को बोलते हम लोग चेन रूल, इसी को बोलते हम लोग चेन रूल। यहाँ पर दिख रहा है साइन के अंदर जो टीटा था ना एक्स आना चाहिए था, एक्स ने धोखा दे दिया, डाउट है टेंशन मत लो, दूसरा सम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, अब तुम लोग समझ गए, वाई लिखता हूँ, वाई का क्या लिखा है लॉग एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, नाउ जरा साथ दो मेरा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा सबसे पहले डिफ्रेंशिएट क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एक्स, अदरवाइज यू कैन से डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया फिर डी वाई बाई डी एक्स, ओके सर डी वाई डी एक्स राइट साइड वाला लॉग एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, ये डायलॉग तुम लोग को मेरा याद रखना पड़ेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव ये छोड़ो अंदर, लॉग अधूरा है उसी तरह जिस तरह साइन अधूरा है टीटा के बिगर, कॉस अधूरा है टीटा के बिगर, उसी तरह लॉग अधूरा है उसके अंदर के मटेरियल के अंदर, समझ रहे हैं, लॉग अकेला कुछ नहीं है, लॉग अकेला कुछ नहीं है जब तक उसके आगे कुछ रहेगा नहीं, तो इसको भी एक तरफ से हम लोग टीटा बोल सकते हैं, एंगल नहीं होता ये, इसको वैल्यूज बोलते हैं, ये समझ रहा है तुम लोग को, यहाँ पर एंगल नहीं होता ये वैल्यूज होते हैं, ये क्लियर हो, मतलब लॉग वन लॉग टू लॉग थ्री, लॉग क्या है पता नहीं, लॉग फाइव हाँ पता है, लॉग सिक्स हाँ पता है, लॉग सेवन हाँ पता है, सर कैसे पता, प्ले लिस्ट में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्ले लिस्ट अवेलेबल है लॉगरिथम सीरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, देखो ये भी चीज़ सही है। चलो फिलहाल के लिए यहाँ पर लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, लॉग एक्स, लॉग एक्स दिख रहा है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है, लेकिन अल्टीमेटम व्हाट वी आर सेइंग लॉग एक्स मतलब इतने पार्ट ने वापस धोखा दिया, अरे धोखा दिया तो रिमांड में तो लेना पड़ेगा चाहे सच्चा प्यार हो समझ रहे, लॉग एक्स तो लॉग एक्स मतलब यहाँ पर वन अपॉन एक्स जितने पार्ट ने अंडरलाइन किया हो बराबर याद रख, अच्छा जो पार्ट को अंडरलाइन किया उसको रिमांड में धोखा दिया ना, धोखा दिया तो वापस, अच्छा अभी डायरेक्टली लिखने का, अभी डायरेक्टली लिखने का हो गया, एक्सपीरियंस आ गया, अभी एक्सपीरियंस क्या है, इसको टच नहीं करने का, ये जो नीचे गिर गया ना इसको टच नहीं करने का, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, ओके अब जरा बोलो यहाँ पर इसका और इसका, चलो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अभी बोलो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर को बाहर, कोई धोखा है क्या, एक्स क्यूब देखो बराबर है, एक्स के नीचे एक्स के जगह पे एक्स ही है, यहाँ पर भी एक्स फोर, देखो ये चीज़ याद रखना डेरिवेटिव, अब अगर मैंने फोर एक्स बोला ना तो फोर को बाहर लिया जाता है डी बाई डी एक्स एक्स, और ये भी स्टैंडर्ड है, देखो इसका भी फॉर्मूला है अपने पास वन, यहाँ पर स्टैंडर्ड है कोई धोखा नहीं दिया, मतलब यहाँ पर आ गया फोर, ये क्लियर हो गया। न्यूमरेटर वन से मल्टीप्लाई करके थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन में एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, वार्निंग ये है कि ये सबको कैंसिल आउट नहीं करना है, बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ मेरे हिसाब से इजीली समझ चुके हो तुम लोग क्या सिनेरियो है क्या नहीं, अभी देखो प्लीज इसको कॉपी करो फिर हम लोग थर्ड सम की बात करते हैं। सो गाइस अभी थर्ड वन देखते हैं, यहां पर सेम फंड है वाई दे दिया, अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट एक्स, फिर से क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अब क्या लिखोगे डी वाई डी एक्स राइट साइड वाला माइनस फोर एक्स क्यूब। गाइस एक बात बता दो, एक्सपोनेंशियल ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल आया ई, ई वाला कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है ई रेस टू एक्स का जब रहेगा ना नीचे एक्स है तो यहाँ पर भी सिर्फ एक्स होना चाहिए, मतलब धोखा मिला, मतलब सर आप यही बोलना चाहते हैं इलेवेंथ में अच्छा खासा मेरा रिलेशनशिप चल रहा था ट्वेल्थ में आके धोखा मिल गया, धोखा मिला तो क्या यहाँ पर रिमांड, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर वही सीन है एक्सपोनेंशियल एक्स है तो यहाँ पर सिर्फ एक्स होना चाहिए था धोखा मिल गया, तो क्या रहेगा ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही लिखेंगे हम लोग, बोलो एग्री कर रहे हो तुम लोग, वहाँ पर डेरिवेटिव करना पड़ेगा इतने पार्ट का जितने पार्ट ये हैं,
बोलो एग्री करो तुम लोग, हाँ है ना? अभी तो इजीली सॉल्व हो जाएगा सर। इसको टच करना नहीं, इसको टच करने का ही नहीं। ये क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव बीच में माइनस है, कोई तकलीफ नहीं। ये इधर, ये इधर, अभी ये देखो, ये इधर आएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर में टू है तो टू नीचे एक्स, टू माइनस वन तो मतलब ये आएगा टू एक्स। एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, लास्ट लेक्चर चार लेक्चर हो चुका है, अभी तो तुम लोग को हाथ बैठ जाना चाहिए। नाउ गाइस, ये माइनस का माइनस, फोर कोई विषंड है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर। गाइस शॉर्ट में लिखो, बच्चे जैसा मत करो, हर एक स्टेप लिखेंगे। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मैच्योरिटी दिखाओ थोड़ा यार, थोड़ा अपना नबी बड़े हो गए, हर एक स्टेप प्लस माइनस करते बैठेंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा, समझ रहे हो ये चीज़? हाँ, समटाइम यस यू कैन, बट हर बार नहीं, मैंने बोला समटाइम। यहाँ पर ये क्या होगा, टू एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को महान लोग, महान लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई मत कर देना, ये ई के पावर में, तो इसको उठा के आगे लिखते, इसको उठा के आगे लिखते, टू एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई के पावर में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स क्यूब। ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? इफ़ यू वांट इसमें से कुछ कॉमन लेना तो ले सकते हो, जैसे देखो इसमें तो मेरे को दिखता है टू एक्स है और ये ट्वेल्व है, पहले नंबर में देखो कुछ कॉमन आ रहा है, दो और बारह, मेरे हिसाब से दो के टेबल में बारह आता है, तो यहाँ पर इसको टू सिक्स होता है, बरोबर है, और यहाँ पर टू को कॉमन, इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर ले लो तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बाहर है एक्स भी बाहर है, तो इसके पास कुछ नहीं बचा मतलब वन है। ये माइनस का माइनस, देखो ट्वेल्व को मैंने स्प्लिट कर दिया, टू सिक्स, टू बाहर है तो बचा क्या सिक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक एक्स बाहर है तो कितना बचेगा, एक एक्स बचेगा। ये ऑप्शनल है, करना रहेगा तो करो, नहीं करना रहेगा तो मत करो। बोलिए क्लियर हो गया? नाउ यहाँ पर अभी ये मजेदार है, ये ना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फेवरेट सम है, जब दो दो मार्क्स के लिए आता है ना तो यहाँ पर ये देते हैं, कुछ नहीं तकलीफ, अभी तो अपने को समझ गया है क्या आएगा। बोलो यहाँ पर y लिख दो, हाँ लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन के पावर में फाइव। देखो एक चीज़ समझ लेना, चाहे लाइफ में कभी भी कुछ भी दिखा ना, जब ओवरऑल पावर रहेगा ना तो सबसे पहला इसी को प्रायोरिटी देना, सबसे पहले इसी को। सर ये डायलॉग समझा नहीं, रुकना थोड़ा सबर रख, आगे समझ कराऊंगा, लेवल इंक्रीज करेंगे तो मालूम पड़ेगा। हमेशा याद रखना पावर वाले को पहला सॉल्व करना। तो अगर तेरे लाइफ में, तेरे लाइफ में ऐसा रहता है डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू फाइव, तो तू क्या लिखता या लिखती, बोल फाइव एक्स रेस टू वॉट फोर, अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन सर अभी क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, अब बोलो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन के पावर में फाइव। मुझे लगता है यहाँ पर एक्स है तो ये पूरे पार्ट एक्स होना चाहिए था, एक्स रेस टू फाइव, तो इतने पूरे पार्ट ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया, इतने पूरे पार्ट ने धोखा दे दिया। मुझे बोलो एक्स रेस टू फाइव का फॉर्मूला क्या होता है, फाइव एक्स रेस टू फोर, तो क्या आएगा फाइव एक्स रेस टू फोर, एक्स मतलब ये पूरा, एक्स रेस टू वॉट फोर। अच्छा जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको तो रिमांड में लेना पड़ेगा, बोला हाँ या ना। चलो ले लेते यार, डी वाई डी एक्स आगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन, बोलो ये क्लियर रहेगा ना। अभी थोड़ा स्मार्ट अप्रोच फटाफट करने का, यहाँ पर कोई यू डॉट वी का रूल नहीं आएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, यहाँ पर टू कोई विषण है, इसके पास एक्स वगैरह कोई चिपका हुआ है क्या, नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो, सर यहाँ पर नहीं लिखा है, अरे मान लेना तीन लेक्चर चार लेक्चर से तो वही तो बताया, इसका रियल मीनिंग बताया, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑफ जीरो, तो यहाँ पर इसका आंसर, अच्छा ये फोर है, इसका आंसर बोलो, इसका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, माइनस टू बाहर एक्स का डेरिवेटिव वन टू, बोलो ये क्लियर हो गया, और माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, ये क्लियर हो गया। अभी ये जो दिख रहा है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये माइनस जीरो को इग्नोर कर दो, यहाँ पर समझाना इग्नोर करो, तो इसको आगे लिख लेते फाइव, सर इसको मल्टीप्लाई नहीं, अच्छा रुको एक मिनट, ये भी बता देता हूँ ना क्या सीन है, कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, कैन वी मल्टीप्लाई दिस वन विद दिस, नो, जिस तरह साइन का एंगल है, इसके पास पावर कितना है चार है, इसके पास पावर कितना है वन, चार वाला पावर वन वाले पावर से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, इफ इन केस चार इसके पास भी होता तो मल्टीप्लाई करता, मतलब सर जो मैं बोल रहा हूँ गाइस वो लिखते जाना, पावर सेम रहता तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तुम लोग को मालूम है एक्स ऐसा कुछ है फोर एक्स प्लस यहाँ पर एक्स प्लस टू, यू कैन मल्टीप्लाई दिस वन, कैसे, ये इसके साथ बचपन वाला कहानी, प्यार बचपन का प्यार भूल नहीं जाना यार, ये समझ रहा है ये चीज़। लेकिन कब क्यों करते थे, क्योंकि इसका दोनों का पावर वन है, इफ़ इन केस ये टू होता ये थ्री होता तो हम लोग बचपन का प्यार भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धोखा मिल गया, बोले ये समझा, पावर सेम होता तो ही मल्टीप्लाई होता अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर वी कैन स्किप हियर, या फिर तुम लोग को मालूम है कम पावर वाले को पहला लिखते हैं, फाइव बार थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, बोलो अब यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन के पावर में फोर, ये क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। नाउ नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला क्या है,
रूट वाला आ गया, अरे रूट वाला ये तो अभी पता हो गया अपने को, रूट वाला क्या है फिफ्थ यहाँ पर। अच्छा ये ऑप्शन तुम लोग को दिखा रहेगा यहाँ पर, अभी रूट वाला देख लेते क्या सीन है यहाँ पर। एक काम करते रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना गाइस यहाँ पर। चलो फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में सीन क्या है, फिफ्थ वाले में मुझे लग रहा है रूट दिख रहा है, रूट पहले वहाँ पर देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव है क्या अपने पास, हाँ है, देखो जरा देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव जरा एक वन अपॉन टू रूट एक्स। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला वाई लिखा, हाँ लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। चलो यहाँ पर डी वाई डी एक्स, चलो यार चलो 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 यहाँ पर फोर एक्स माइनस सेवन रूट एक्स, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स का क्या है, देखो यहाँ पर एक्स है तो ये रूट के अंदर क्या आना चाहिए था, सिर्फ एक्स। कहीं ना कहीं तुम लोग को लिंक हो रहा है अभी, चेन रूल के बारे में समझ गए, धोखा तो रिमांड, धोखा तो रिमांड, धोखा तो रिमांड, एक बार वापस धोखा तो वापस रिमांड, ये सब कब करेंगे, थोड़ा रुक जाओ जैसे ये सब हो जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या सिनेरियो है, वन अपॉन बोलो वन अपॉन टू रूट एक्स, रूट एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, ये समझ रहे हो। जो बच्चे थोड़े स्मार्ट रहते हैं ना, जिसको थोड़ा अच्छे से आता है, वो क्या करते हैं वापस डेरिवेटिव नहीं करते, वो लोग माइंड में कर लेते हैं। लेकिन ठीक है अपना स्टार्टिंग टाइम है, रूट को मत लेना, धोखा इतने पार्ट ने दिया है, रूट बराबर है वन अपॉन टू रूट एक्स, इधर रूट के अंदर एक्स होना चाहिए, जो एक्स के जगह पर है ना उतने पार्ट ने धोखा दिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिमांड में तो लेना पड़ेगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो ये समझा, धोखा तो रिमांड, ग्रेट यार। यहाँ पर क्या वन अपॉन टू रूट, बोलो क्या एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। चलो अभी इसका तो डायरेक्टली बोलो, चलो चलो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव टू एक्स, बीच में प्लस प्लस, अरे बोलो हाँ देखो ये जिसको नहीं समझता ना, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या था अभी बताया तो तुम लोग को याद करो, टू नीचे एक्स, टू माइनस वन टू एक्स, यहाँ पर मतलब टू एक्स हो गया, बोलो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर प्लस फोर बार एक्स का डेरिवेटिव वन चलेगा, माइनस सेवन, माइनस सेवन का डेरिवेटिव जीरो, बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ ना। इसको आगे लिख के हम लोग एक काम कर सकते हैं, टू को कॉमन भी ले सकता हूँ, अरे बोलो हाँ ना सर क्यों, आपने बोला था ऑप्शनल है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ऑप्शनल है, लेकिन नीचे दिख रहा है मेरे को टू, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, टू को कॉमन लेते हैं यहाँ पर, इसको इधर पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, टू एक्स प्लस फोर अपन वॉट टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन। इत्तेफाक की बात है कि टू कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो रहा है, अगर नहीं होता तो कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी, समझ गया। जैसे यहाँ पर देखो टू को कॉमन ले लेता हूँ, टू बाहर तो ये टू टू जहाँ ये एक्स बचेगा, एक टू बाहर है तो इसका एक टू रहेगा, अपन में टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, ये टू और ये टू गेट कैंसल, कब कैंसल होता है ये याद रखना, जब ऊपर वाला टू मल्टीप्लाई में रहेगा नीचे वाला टू मल्टीप्लाई में रहेगा तो ही कैंसल होता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स प्लस टू या डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सेवन, ये क्लियर हो गया तुम लोग को नाउ। अगर इतना क्लियर हो गया तो देखो नेक्स्ट वाला सम, देखो नेक्स्ट वाला सम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बच्चे लोग को लगता है कि सर यू अपॉन वी का रूल, यू अपॉन वी का भी रूल चलेगा, लेकिन उससे पहले इसका मैं एक कुछ सम्स लेता हूँ यहाँ पर सुनना, ये क्या है, ये भी इससे ही पैदा हुआ है। मैंने जब डेरिवेटिव सिखाया था ना गाइस, मैंने बोला था बाय वन गेट फाइव फ्री, मैंने ये डायलॉग मारा था, जितने भी अलजेब्रा के फॉर्मूले ना सब इससे ही पैदा हुए। तो अभी यहाँ पर कंसर्न अपना फॉर्मूला नहीं है, कंसर्न अपना चेन रूल है। तो यहाँ पर देखो अगर तुम्हारे लाइफ में डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स रेस टू सेवन है, दिख रहा है, तो इसको ऊपर लेके जाके क्या करोगे, डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू माइनस सेवन, तो ये पहला वाला फॉर्मूला बन गया, समझ रहे। फिर इसको नीचे गिराने का, एक्स रेस टू माइनस सेवन माइनस वन माइनस सेवन एक्स के पावर में माइनस माइनस प्लस माइनस एट, फिर इसको नीचे लेके जाओगे तो एक्स के पावर में माइनस एट है ना, एक्स के पावर में जब पावर नेगेटिव होता है तो ऊपर नीचे जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ये हो जाता है। इतना मेहनत क्यों करने का, अरे भाई प्यार से बोलना, ये जो साथ दिखता है इसका साइन चेंज कर, अपॉन वॉट एक्स सेवन प्लस वन एट, ऐसा लिखना, सॉर्टेड है सर, इतना घूम के क्यों जाने का, समझ रहे ये चीज अभी, मतलब सर समझा नहीं, एक मिनट नहीं समझा, एक बार प्यार मोहब्बत से देख, वन अपॉन एक्स रेस टू फाइव, इसका बोल डायरेक्टली फाइव का साइन चेंज, माइनस फाइव एक्स रेस टू फाइव प्लस वन सिक्स, अरे सॉर्टेड है सर, समझ गया, गेम मजा आ गया। डी बाई डी एक्स वन अपॉन एक्स रेस टू क्यूब है, क्या आएगा, ये थ्री है ना, माइनस थ्री एक्स रेस टू थ्री प्लस वन फोर, समझ गया सर, लेकिन एक कंडीशन है, इधर सिर्फ एक्स होना चाहिए था, मतलब सर नेक्स्ट वाले में धोखा मिलने वाला है, अभी इतना तो सब समझ ही गया हम लोग। यहाँ पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू वॉट वन अपॉन एक्स क्यूब, देखो इसको एक लाइन में आंसर कैसे लाते हैं, यहाँ पर सेवन, अभी देखो स्मार्ट बनो, थोड़ा हो नहीं लेकिन बनो, ट्राई करो, हो जाओगे, समझ रहे ये चीज़, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अल्सो वुमेन, अल्सो बॉयज गर्ल्स जो भी है, बोलेंगे सर हम लोग वोमेन वुमेन नहीं है, अरे ठीक है। यहाँ पर गाइज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर, यहाँ पर डी बाई डी एक्स वन अपॉन
एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस फाइव के पावर में सेवन है। सर ऊपर वन है ना, या तो एक ऑप्शन है तू ये पूरे को ऊपर लेके जाके माइनस सेवन करेगा वो मगज मारी। डायरेक्टली फॉर्मूला है ना वन अपॉन एक्स रेशियो सेवन क्या होता है, सर समझ गए, माइनस सेवन अपॉन वॉट एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस फाइव ये हो जाएगा एट। सर इतना एक्सपीरियंस है कि इधर धोखा मिल चुका। अरे यार लाइफ की बात कर दिए सर, इतना एक्सपीरियंस है कि धोखा मिल चुका है यहाँ पर। तो ये हो गया, इतना पार्ट ने धोखा दिया, तो इसका डेरिवेटिव। अब गाइस देखो एक ही लाइन में आंसर निकालने का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर माइनस माइनस फोर फोर, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस फाइव का डेरिवेटिव जीरो। इतने पार्ट ने धोखा दिया, इसको पिक्चर में मत लाना, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसी को। तो यहाँ पर देखो इस टाइम कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो माइनस सेवन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस फाइव के पावर में। बोलो प्यार मोहब्बत से एक बार बोल दो, समझा या नहीं, क्या सीन चालू है, क्या सीनारियो चले, ये क्लियर होना चाहिए प्लीज। अभी देखो यहाँ पर, अच्छा ये हो गया, सेवन्थ और एट में बहुत सीखने मिलेगा, प्लीज इसको कॉपी करो फिर सेवन्थ और एट बताता हूँ। नाउ गाइस नेक्स्ट सम वाई इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू फाइव। नोटिस करने वाली बात यह है, साइन के बाजू में जो होता है वो एंगल होता है, ठीक है सर। मतलब सर यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग समय, बताता हूँ कैसे, ये एंगल है, क्या है ये एंगल। तो सर डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई डी एक्स, यहाँ पर साइन एक्स रेज टू फाइव, ये एंगल है पूरा, हाँ ये पूरा एंगल है, ये याद रखना। एक्स रेज टू फाइव, पहले बोलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो सिर्फ एक्स, धोखा मिला। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सर ये तो बहुत चिंदी सब है, अरे वाओ सो ब्यूटीफुल, कॉस एक्स रेज टू वॉट फाइव लिखा, लेकिन धोखा मिला तो उतने पार्ट को रिमांड, मतलब एक्स रेज टू फाइव। अच्छा एक्स रेज टू फाइव का डेरिवेटिव क्या होता है, फाइव एक्स रेज टू फोर, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस एक्स रेज टू फाइव, ये दिख रहा है यहाँ पर फाइव एक्स रेज टू फोर, ये कॉस के साथ जो एंगल ये बाहर है, तो इसको पहले लिखते हैं फाइव एक्स रेज टू फोर कॉस एक्स क्यूब। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पहला वाला समय ना, देखो पहला वाला समझे इसी था, आप इसको लास्ट में क्यों लिखा, ये मेरे माइंड में डाउट आ रहा है। गाइस सुनना, नोट करके पहले लर्निंग पॉइंट ये समझते हैं, साइन स्क्वेयर टीटा बोलेगा यहाँ पर, और या साइन टीटा द होल स्क्वेयर बोलेंगे, बात एक ही होता है याद रखना, साइन स्क्वेयर टीटा या साइन टीटा द होल स्क्वेयर एक ही बात होता है। मतलब सर साइन फोर के पावर में टीटा या साइन टीटा द होल रेज टू फोर एक ही बात होता है। उसी तरह अगर सिर्फ टेन टेन सेवन के पावर यहाँ पर टीटा, टेन टीटा द होल सेवन यहाँ पर, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, एंगल सेम ही है, इट इज़ नॉट इक्वल टू वॉट, ऐसा नहीं लिख सकते साइन टीटा द होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर एंगल टीटा है, यहाँ पर एंगल टीटा है, यहाँ पर एंगल टीटा स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, ये समझा। यहाँ पर यही सीनारियो है, जो एट वाला पॉइंट है ना, एट वाले में तुम लोग को लिखा है वाई इज इक्वल टू वॉट साइन फाइव एक्स। गाइस ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर एंगल क्या x ही है, कैसा मान पड़ा, अरे बच्चा ये देख साइन x के पावर में फाइव, अरे रे एंगल x है और यहाँ पर एंगल क्या है x रेज टू फाइव। सर कोई धोखा नहीं दिया, अरे कैसा बोल रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है क्या, चलो जरा पाँच छः दस मिनट पीछे जाओ, सर आपने कुछ तो बोला था जब जब पावर आएगा तो पावर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये पावर वाला दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू फाइव, एक्स रेज टू फाइव का क्या होता है फाइव एक्स रेज टू फोर, मतलब ये पूरा x होना चाहिए, जब लिखते हो ना डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर कहेगा डी वाई डी एक्स साइन x के पावर में फाइव, तो ये पूरे ने धोखा दिया, इसके जगह पे क्या होना चाहिए था x रेज टू फाइव, और हम लोग को क्या मिल गया साइन x रेज टू फाइव। तो साइन इसका क्या होगा, धोखा मिला तो क्या करेंगे रिमांड, पहले तो फाइव साइन x के पावर में क्या आ गया फोर, बराबर है ये चीज, जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड, मतलब साइन x, बोले क्लियर हो गया। इसको वापस अपनी जिंदगी में लेकर आ जाओ, साइन एक्स जैसे लिखते हैं हम लोग फाइव, इसका मतलब ही क्या होता है साइन रेज फोर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये क्लियर रखना है तुम लोग को, बोलो ये समझा। अगर जिस बच्चे को नहीं समझा यहाँ पर एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, रेडी एवरीवन प्लीज, वाई लिखा है एक यहाँ पर, वाई लिखा है टेन क्यूब यहाँ पर, देखते यहाँ पर क्या लिखा हमने, टेन क्यूब, या फिर एक काम करते थोड़ा गंदा समझ लेते, सेक 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 क्या है यहाँ पर, सेक के पावर में समझो फोर लिखता हूँ, और एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स दिख रही है, अरे हाँ है ना, देखो इसका मतलब इसका एंगल क्या है गाइस, इसका एंगल ये है, तो ये चार क्या है, ये चार पावर वाला हो गया, चार क्या हो गया पावर वाला, ये मजा आने वाला है, ये मजा आने वाला है सॉल्व करने में,
फोर एक्स के फॉर्म में, ये ओवरऑल क्या हो गया 4, तो ये कौन सा फॉर्मूला फिल कर रहा है, x रेस टू n वाला, कौन सा फॉर्मूला, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव, x रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 4 नीचे x क्यूब, बोलो ये क्लियर रहेगा। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा क्या, पहले तो देखो ये x, ये पूरे ने क्या कर दिया धोखा, मैंने बोला था ना लेवल इंक्रीज करूंगा, देखो लेवल इंक्रीज होने का आ गया, लेवल इंक्रीज हो गया, पहले तो x रेस टू 4, x रेस टू यहां पर क्या हो जाएगा बोलो dy, अच्छा dy बाय dx, सर इसको हटाओ यार, इसको हटा दो, ये देखो कॉपी कर लो, कॉपी किया, इसको इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर सब कुछ वीडियो पॉज करके कॉपी करना हो क्या, dy बाय dx यहाँ पर भी dy dx, क्या हो जाएगा sec, क्या है यहाँ पर sec लिखा है, x क्यूब प्लस 4x के पावर में हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा x रेस टू 4 का फॉर्मूला क्या था 4x क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा 4 नीचे गिरा दो सर, गिरा देते यार मोहब्बत से, तेरे मोहब्बत में कुछ भी, यहाँ पर 4, लेकिन धोखा तो दे दिया, तेरे मोहब्बत में कुछ भी बोल के तूने धोखा दे दिया, बोलो हाँ यार, तो यहाँ पर 4 sec x क्यूब प्लस 4x के पावर में, इधर मत लिखना गाइस, इधर नहीं, कभी भी ओवरऑल लिखना, इधर लिखना मतलब तुम लोग सिर्फ एंगल का क्यूब कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो ना, अच्छा जितने पार्ट ने धोखा दिया उसको रिमांड में, अरे बोलो हाँ यार, कितने पार्ट ने धोखा दिया sec, इसको हटा देता हूँ अभी, अभी शायद तुम लोग को समझ गए, इसको हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ यहाँ पर, चलो sec कितने वाट ने, इतने वाट sec x क्यूब प्लस 4x बराबर है ये चीज, अच्छा ये वाला पार्ट एज इट इज उतार दो, मतलब 4 sec, अच्छा इसको वापस लिख देना है, उतारते उतारते ये लिख देना x क्यूब प्लस 4x, बोलो ये क्लियर हो गया, अब मुझे बोलो sec x का डेरिवेटिव वापस, देखो मैंने बोला था ना धोखा पे धोखा, तो रिमांड पे रिमांड, बोलो समझा कि नहीं, sec x का डेरिवेटिव sec x, देखो यहाँ पर x होना चाहिए, वापस धोखा मिला रे, यहाँ पर इधर नहीं, इधर तो देखना भी नहीं है, इसका हो गया रिमांड, हो गया शांत, हो गया भाई, यहाँ पर देखो sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, देखो यहाँ पर ही कंफ्यूजन आ जाता है, ये तो हो गया sec x बरोबर है x लिखा tan x बरोबर है, ये तो डेरिवेटिव हो गया, अबे रिमांड में कहां लिया तूने, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स है, sec x क्यूब प्लस 4x का sec x क्यूब प्लस 4x इंटू टेन एक्स, tan x क्यूब प्लस 4x, रिमांड कहां लिया, लेता हूं ना सर इतने पार्ट में ना, ए लो 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 आपकी ख्वाहिश पूरी कर लो, लो लो हो गया, हाँ अभी क्या होगा, अब जीत, अरे क्वेश्चन मिटा दिया, चलो ठीक है आगे का जर्नी तुम लोग समझ गए, अब थोड़ा स्मार्ट बनो, यहाँ पर देखो ये sec के पावर में 3 है, मुझे मालूम है इतने पार्ट का कुछ नहीं करेगा चलेगा, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा, लेकिन स्टिल थोड़ा दिमाग लगाओ, sec के पावर में क्या क्यूब है, ये तो बचपन में सीखा था, एक x क्यूब है और एक x है, तो इसका क्या हो जाता है x रेस टू 4, भाई तो ये भी देखना इसके पास 3 पावर है, देख एंगल भी सेम है, एंगल भी सेम है, तो क्यों गुना कर रहा है यार, इसको लिख सकते ना 4, अरे बोलो समझा कि नहीं ये चीज़, देखो मजाक में कौन सा सम लेने के पे ये आ गया, डेरिवेटिव नहीं यहाँ पर दिख गया मेरे को सिंप्लीफिकेशन, इफ यू वांट तुम लोग इसको ऐसे रख सकते हो, लेकिन मुझे दिख गया ना यार साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स रहेगा, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता साइन के पावर में 4x, अरे बोलो हाँ ना, हाँ सर लेकिन एक जगह नहीं लिख सकते साइन क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब, यहाँ पर साइन 2x दिख रहा है यहाँ पर, अब नहीं लिख कर सकते, क्यों नहीं सर एंगल अलग अलग हो गया, अरे भाई एंगल सेम रहता तो कर सकता है, ये नहीं कर सकता, बोलो ये समझा, तो यहाँ पर वही तो सीन हो गया, sec के पावर में 3 है, ये एंगल देख प्यार हो गया दोनों को, मिला दे यहाँ पर tan x क्यूब प्लस 4x, बोलो इसका डेरिवेटिव अच्छा इधर कोई रिमांड नहीं है, बीच में प्लस है, अच्छा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 4x का डेरिवेटिव 4, बोलो ये समझा कि नहीं, इसके साथ मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये tan थीटा है और ये sec थीटा है, मतलब ये 4 है, ले तो इसका मतलब सर इसको बाहर ले लेते हैं, मतलब 4 3x स्क्वायर प्लस 4, ये दिख रहा है तुम लोग को 4 लिखा, अब इसको पहले आगे लिखने का, अरे अपनी मर्जी है, sec 4 x क्यूब प्लस 4x, यहाँ पर tan x क्यूब प्लस 4x, बोलो होप सो ये समझा रहेगा, क्या सिनेरियो देखो कैसा, रिमांड पे रिमांड, प्लीज इसको कॉपी करो, थोड़ा और बात करते हैं हम लोग, चलो गाइस एक सम और कर लेते हैं, इसका मतलब समझेगा कि अपने का कंसेप्ट क्या है, अब बोलो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, यहाँ पर क्या है dy dx, यहाँ पर देखो tan के अंदर cos है, cos के अंदर sin x है, जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर सुनना, हमेशा इधर से आया करो, इधर से पहला क्या दिखता है मुझे tan x दिखता है, आगे जाता हो तो cos x दिखता है, फिर sin x दिखता है, मतलब यहाँ पर देख के इंसान बता सकता है कितने बार डेरिवेटिव लगने वाला है, देखो tan x, पहले tan के अंदर वाला धोखा,
फिर कॉस एक्स, कॉस के अंदर वाला धोखा, फिर साइन एक्स ऊपर ऊपर है। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा बोलो, टेन, पहले यहाँ से आ रहा हूँ ना जब, तो टेन ये पूरा क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा, पूरा क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, देख बच्चा टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब क्या आएगा, cos sin x। बोलो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलो इसको चौकोंडी डब्बा बना देता हूँ, ये समझा, ये sec का एंगल हो गया, हो गया क्या सॉल्व, अरे कैसा हो गया बच्चा, tan x, tan x, तूने tan का डेरिवेटिव किया, रिमांड में तो लिया नहीं ना, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर जितना x था उधर इधर ले लिया। बोलो ये क्लियर हो गया, डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए, सच्चा प्यार हो या कुछ भी हो, रिमांड में तो लेंगे, धोखा मिला तो। अरे बोलो है ना, कॉस अकेला नहीं हो सकता, कॉस का डेरिवेटिव साइन नहीं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पर आ रहा हो तो कॉस एक्स, ये पूरा वापस आ गया धोखा। तो इसको टच मत करो, इसको एज इट, अच्छा लिख देता हूँ यार सर इतना, ये तो यही बात हो गया, आप गए कपड़ा लेने, आपका बिल हो गया 999 और आप बोल रहे नहीं भाई एक रुपया वापस है, अभी इतना खर्चा हो गया एक रुपया दे ही सकता है, मुझे मालूम है इससे ही। अभी तुम लोग में से कुछ लोग बोलेंगे सर ब्लैक मनी पैदा होता है, अरे रख तेरा पास तेरा नॉलेज, यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब समझो, इतना खर्चा हो गया है तो यहाँ पर लिखने में क्या ही जाता है भाई, कॉस साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स का डेरीवेटिव, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरीवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरीवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या है माइनस साइन एक्स, एक्स क्या, अरे ये देखो क्या मस्त कंफ्यूजन वाला पार्ट क्रिएट करता है, ये दिख रहा है साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स क्या है, एक्स ये पूरा है, देखो ये समझ गया, मतलब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स के जगह पे जो धोखा दिया वही, लेकिन रिमांड में तो लेना पड़ेगा, रिमांड नहीं लेगा तो फिर मतलब नहीं। अब साइन एक्स, बोलो ये क्लियर हो गया, अच्छा ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये माइनस को तुम लोग को दूर रख देता हूँ, माइनस, अरे समझ रहे, टू इंटू थ्री इंटू माइनस फोर रहेगा ना, तो ये माइनस जब इधर रहेगा ना, ये माइनस को आगे फेंक सकते हैं हम लोग ऐसा, ये क्लियर है, तो माइनस ये सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, किसी अंदर मत फेंक देना, माइनस माइनस sec के पावर में स्क्वायर, ये क्या होगा अंदर cos sin x, ये क्या हो गया इसका एंगल हो गया sec, ओके यहाँ पर ये माइनस बाहर लिखा है sin ऑफ sin x, ओके अभी sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव सर स्टैंडर्ड है क्या, देखो x है तो x है, तो इसको भी रिमांड में लेता, थक गया भाई वो अपने से, थक गया, डर गया, समझ गया यहाँ पर रिमांड में ले रहा है साला, डर गया वो। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को। यहाँ पर गाइस कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर इससे लेवल इंक्रीज करो, नहीं उसके लिए मैं तुम लोगों को एक्सरसाइज चालू कर दूंगा, महाराष्ट्र बोर्ड में एक्सरसाइज में अच्छे खासे समय, तो यहाँ पर सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, चेन रूल से फैमिलियर हो जाओ, जब हम लोग चालू करेंगे तो अच्छे खासे लेवल के सम्स पूरे कवर करने वाले, लेकिन उसके लिए मुझे तुम लोग का सपोर्ट चाहिए, तुम लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, तभी जाके मैं अपना तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक हो या मिसिलिनियस का जितने भी, सब कुछ कवर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए तुम्हारा, तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये सब रहेगा तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिला इसका मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा 100%। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।